लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनसे कुछ संवाद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। खैर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से दो पिछले चुनाव में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जिस तरह का नुकसान शिवसेना को उठाना पड़ा यहाँ से, जिसका अहम रोल इसमें निभाया है बंडखोरी ने, तो क्या आने वाले विधानसभा और चुनाव में वही पिक्चर रहेगी? मुझे ये पता है कि मेरा जो 4,500 ऑप्शन और किसने किया क्या किया है मैंने पूरा मालूम है। इसलिए इस समय हमारा एक एक उम्मीदवार जो है, प्रत्याशी जो है, वो बिल्कुल बहुत मार्जिन से चुन के आने के लिए हम लोग सतर्कता से काम कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि ये भूमिका हम लोग देख ली है कि कौन कौन करने वाला है करके, और मैं ये कहूँगा कि अभी इस समय शिवसेना भाजपा युति का राज हमको लगता आएगा, लेकिन अगर अभी तक तो कुछ मतलब टिकट बंटवारा वगैरह कुछ हुआ नहीं, कब होगा क्या होगा कुछ पता नहीं, अगर उनकी उनको ऐसा लगेगा कि नहीं हमारी तो अभी हम लोग अभी हम हमारा देखेंगे तो हम भी हमारा देखेंगे। और मैं कहूँगा कि हम पूरा अगर समझे अलायंस होगा, युति होगी, युति होने के बाद में कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता शिवसेना के खिलाफ काम नहीं करेगा, और जो भी कोई भी शिवसेना का कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ काम नहीं करेगा, ये हम लोगों ने इतना हम लोग एकजुट से काम करने वाले। तो इसमें कहीं ना कहीं MIM का कोई मतलब डर है, जिस तरह से कि आपस में लड़ने की वजह से MIM को भी फायदा पहुंचा, तो ये MIM से के डर की वजह से ये अभी सतर्कता रख रहे हैं? अभी जो MIM का जो है, अभी मुस्लिम समुदाय भी अभी बहुत सतर्क हुआ, MIM को क्यों MIM के पास क्यों जाने का, कांग्रेस के मुस्लिम भी आगे आ रहे हैं, राष्ट्रवादी के मुस्लिम आगे आ रहे हैं, और भी बाकी के अपक्ष मुस्लिम आगे आ रहे हैं, ये नहीं चाहिए करके, और इसके लिए वो कुछ भी होने दो, लेकिन वंचित आघाड़ी ये टूट गए अभी, और वंचित आघाड़ी टूटने के बाद में अभी इतना कुछ सक्सेस उनको अभी मिलेगा नहीं। ये मैं पूरा एक अंतिम सवाल कि जिस तरह से खैरे साहब हैं, जयसवाल साहब हैं और तवानी साहब, इन तीनों का ही मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव है, कई हद तक उन्हें वहाँ से मत भी मिलते हैं, इस चुनाव में क्या जिस तरह से MIM ने झटका दिया था शिवसेना को दो चुनाव में, इस चुनाव में शिवसेना? मैं एक बात आपको बताऊंगा, अभी कई मुस्लिम समुदाय के लोग कार्यकर्ता मेरे पास आए हुए हैं, परसों में घाटी में मेडिकल कॉलेज में हमारे वाहन चालकों का शिव वाहतुक सेना का मैंने उद्घाटन किया, तो शिव वाहतुक सेना में सारे के सारे मुस्लिम थे, उन्होंने बोले साहब अभी घर घर में जाएंगे हम, मुस्लिम समाज को बताएंगे कि शिवसेना के सिवा कुछ नहीं, तो शिवसेना को ही वोट देना है, उन्होंने कहा, और कई मुस्लिम समुदाय के लोग कार्यकर्ते जनता भी हमको इसके लिए मानती है, इसलिए मानती भी हम उनका काम करते हैं। एक अंतिम संदेश, क्या आपको लगता है कि समाज की बात करते हैं, शहर के तरक्की की बात करते हैं, तो इस समय कोई समाज कोई भी हो, चाहे बैकवर्ड समाज से हो, मुस्लिम समाज हो या अपर कास्ट हो, इन लोगों को किसके साथ जाना चाहिए आपको लगता है? मैं कहता हूँ कि शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने कभी जात पात नहीं मानी, उनके पास सर्वसामान्य नागरिक कार्यकर्ता भी, मैं तो सर्वसामान्य कार्यकर्ता, मुझे कितना बड़ा किया उन्होंने, कभी ऐसा मेरी जात पात देखा क्या? नहीं देखा उन्होंने, मेरा समाज देखा क्या? नहीं देखा। कोई भी हो, किसी भी हो, सारे लोगों को, सारे समुदाय को उन्होंने साथ में लिया। मैं जब मंत्री था महाराष्ट्र राज्य का, कैबिनेट मंत्री, हमारे साथ साबिर शेख नाम के मंत्री थे, वो मुस्लिम थे, वो अमरनाथ से बार बार चुन के आते थे, वो भी मंत्री बने के थे, तो उसमें हम तो हिंदुत्ववादी होने के कारण से लोग हमको बोलते कि जातिवादी है, तो फिर साबिर भाई को कैसे कि हमने कैबिनेट कर दिया है, लेबर भी करते हो, ये सारा झूठ है। शिवसेना के काम करने की पद्धति बहुत अलग है और शिवसेना के साथ में कई लोग जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद, ये थे माननीय खैरे साहब, और सियासत चल रही है, हर कोई धर्म की राजनीति करता है, लेकिन ये आने वाला वक्त तय करेगा कि कौन जो है तो समाज के लिए हितकारी साबित होगा। मैं अफरोज खान, लोग ने हिंदी जोड़ा।